निःशुल्क नेत्र शिविर कैंप का आयोजन। जी हां, खबर है यूपी के हरदोई जिले के बेनीगंज थाना अंतर्गत नगर पंचायत में खुशी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी संस्था के माध्यम से निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आए डॉक्टर मोहम्मद नोमान ने नगर व क्षेत्र से लगभग 120 लोगों की आँखों की जाँच कर मेडिसिन आई ड्रॉप देकर लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा, जिसमें 17 लोगों की रोशनी मोतियाबिंद जैसे कई समस्या होने के कारण उनको ऑपरेशन के लिए चिन्हित कर लखनऊ हॉस्पिटल भेजा गया। इसके साथ ही आदर्श डायग्नोस्टिक सेंटर के माध्यम से 18 लोगों की खून की जांच भी कराई गई। इसको लेकर नगर व क्षेत्र के लोगों ने संस्था कार्यकर्ताओं डॉक्टर का कार्य देखकर काफी प्रसन्न हुए। वहीं खुशी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी संस्था के कोषा अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता, सदस्य रियायत अली, अध्यक्ष पुनीत मिश्रा ने नगर क्षेत्र से आए लोगों को मास्क, चाय, बिस्किट आदि वितरण किया और बताया, हमारी संस्था गरीब, भूखे, बीमार, लाचार, असहाय लोगों के लिए काम करती है और हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि अधिक से अधिक समय लोगों की सेवा करके बिताए। इस मौके पर आशीष चित्रांशी, डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, समाजसेवी सुरेंद्र गुप्ता और कल्लू बेनीगंज देहात प्रधान रियायत अली, पीयूष तिवारी, विशाल अवस्थी, अनिल सिंघानिया, गौरव गुप्ता, अर्पित गुप्ता आदि तमाम लोग मौजूद रहे। देखिए बेनीगंज से पीयूष तिवारी की यह रिपोर्ट। जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं उसको फॉलो करिएगा, जितने बजे बुलाएं आ जाइए, ठीक है।